नई रचना करता है कलाकार अपने अपने माध्यम से, अपने अपनी विधा से नया सृजन करता है, नया किसी चीज का, किसी वस्तु का आकार देता है। यह मूर्ति कला की कार्यशाला है। कल्पना कीजिए कि यदि मूर्तिकार ना होता, यदि चित्रकार ना होता, तो संभव है मनुष्य का भगवान से, परमात्मा से मिलन ही ना होता। क्योंकि कला साधक जो है अपनी साधना से, अपने भीतरी व बाहरी दृष्टि से एक आकार देता है। उदाहरणतः आपने क्ले की, लकड़ी की, पत्थर की, धातु की कोई मूर्ति आपने बनाई। यदि कलाकार ने उस मूर्ति के हाथ में बांसुरी पकड़ा दी तो उस मूर्ति ने क्या रूप धारण कर कृष्ण का, भगवान का। और यदि उस कलाकार ने किसी देवी की मूर्ति बनाई, प्रतिमा बनाई, और वह कृष्ण की मूर्ति के साथ लगा दी, तो जाहिर है वह राधा का स्वरूप धारण कर ले। यदि उसी मूर्ति के हाथ में वीणा पकड़ा दी किसी कलाकार ने, तो जाहिर है वह मां शारदा, मां सरस्वती का रूप धारण कर लेगी। यदि उसी मूर्ति में खप्पर हाथ में दे दिया, तो जाहिर है वह मां दुर्गा का स्वरूप निर्मित कर लेगी। इसका अर्थ यह है कि कलाकार जो आकार देता है वही समाज को दिखाई देता है। इसलिए कलाकार बंधुओं, आपके कंधों पर समाज की, राष्ट्र की भारी जिम्मेदारी है। आप जो भी सृजन करोगे, जैसा भी सृजन करोगे, वैसा ही समाज निर्मित होगा। यानी अच्छा, सुंदर, स्वस्थ समाज का निर्माण यह कलाकार का बहुत बड़ा दायित्व है। इसलिए कला के माध्यम से आपने अपनी सुगंध को, अपनी खुशबू को जहां खोजना है वहां अपने आप को मुखर करना है। कला को माध्यम से अपने आप को प्रकट करना है। आप युवाओं ने एक नई परिभाषा परिभाषित करनी है, एक नई अभिव्यंजना पैदा करनी है। जो गीत आपके भीतर है वह गाया जाना है, उसे आपने गुनगुनाना है, उसे आपने स्वर देना है। क्योंकि यही स्वर, यही महक तो हमारी संस्कृति की सभी कलाओं में व्याप्त है, जिसके कारण हमारी संस्कृति एक विराट है, एक महान है। इसलिए आपकी प्रतिभा को, आपकी कला साधना को, आपकी कल्पना को कला के पंखों से एक कलात्मक उड़ान देने का ये जो प्रयास इस दृश्य कला कार्यशाला के माध्यम से हो रहा है, इसलिए उड़ान के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को मैं इस साधु कार्य के लिए साधुवाद देता हूं। आप सभी कला साधक अपनी साधना से, नई नई कृतियों के माध्यम से इस राष्ट्र को एक नया आकार, एक नया स्वरूप, नए भारत की संरचना में अपना सहयोग देंगे। इसी आशा के साथ मैं अपनी बात
समाप्त करता हूँ और इस कार्यालय की, इस कार्यशाला की वरिष्ठ मूर्तिकार उषा कौशिक जी का हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा। उनके मार्गदर्शन में हम बहुत सारी कुछ नई जानकारियां हमें हासिल होंगी। और विजय वहल जी व अनुपम भटनागर जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि एक बहुत बड़ा यज्ञ, उस यज्ञ में आपने मुझे लाकर इस महान कार्य में मेरी आहुति डाली, इसके लिए मैं आभार धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद सर, इतना सुंदर मार्गदर्शन करने के लिए और इतने सुंदर भाव के साथ हम सबको समझाने के लिए कि कला कितना अहम है हमारे जीवन में और हमारे इस सुंदर से भगवान के बनाए हुए संसार में। और अगर कला ही नहीं है तो शायद हम स्पिरिचुअल नहीं हो सकते, ये बहुत सच है। हमारी स्पिरिचुअलिटी हमारी कला से जुड़ी है, हम जितने कला से जुड़ेंगे उतने ही हम स्पिरिचुअल होते जाएंगे। ये मुझे, हम लोगों को ये बात बहुत अच्छी लगी आपकी, और आप लोगों का तृप्ति जी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने हमें समय दिया और हमें इतना अच्छा समझाया। तृप्ति जी, जी सर जी, मैं सुदेश जी को धन्यवाद अपनी तरफ से भी देना चाहता हूं। और जैसा आपने कहा बिल्कुल ऐसा तो होना ही था, क्योंकि सुदेश जी पंजाब प्रांत में संस्कार भारती जो अखिल भारतीय संस्था है वो जो कलाओं में मध्य काम कर रही है, कलाओं के द्वारा राष्ट्र निर्माण का, उसमें वह पंजाब प्रांत के अध्यक्ष रहे जो उन्होंने बखूबी काम किया वहाँ पर, और उसके बाद अब वो पंजाब प्रांत में संस्कार भारती के संरक्षक पद पर हैं। जो आपने जितना भी कहा वो तो अवश्य संभावी था, क्योंकि जो व्यक्ति संस्कार भारती से जुड़ा है, संस्कारों से जुड़ा है, वो चाहे कितने भी प्रशासनिक पद पर रहा हो, मैं समझता हूँ उसके अंदर की वेदना, अंदर की जो जिज्ञासा है वह कभी न कभी प्रकट होते ही है अपने समाज को लेकर के, अपने समाज में चल रही सांस्कृतिक परंपराओं को लेकर के। तो बड़ा ही अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया, सुझाया और बताया, मैं उन्हें अपनी तरफ से भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। या तृप्ति जी, जी सर, मैं उड़ान की तरफ से आपको धन्यवाद करना चाहूंगी। अब मैं वाहन सर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि श्री उषा कौशिक जी जो सीनियर कल्चर आर्टिस्ट हैं, उनका थोड़ा सा हमें इंट्रोड्यूस करें उनके बारे में अपने अपने तरीके से। जी, उषा कौशिक जी के बारे में बताना, मुझे लगता है कि पिछली बार भी काफी बताया था और जैसा मैंने बताया था वैसा ही उन्होंने करके दिखाया भी, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। जितने भी दर्शक थे हमारे पास, काफी जो फीडबैक आ रहे हैं तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया बताया। और मैंने जैसा पिछली बार भी कहा था कि आप देखिए, किसी चीज को बना हुआ देखना और किसी चीज को, उसी चीज को बनते हुए देखना, दोनों में बहुत फर्क रहता है। और यही वजह है कि मैंने उनको कहा था कि आप बिल्कुल ABCD से शुरू करें, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमारे सारे दर्शक जो हैं वो आर्ट्स कॉलेज से हों, और बहुत से अलग अलग कॉलेज से। सही तो है मम्मी, आप कुछ आर्मेचर बना करके फिर उन्होंने किस तरह से उस पर वैक्स एक्स लगा करके और वो एक ढांचा तैयार करने की कोशिश करी थी। मैं समझता हूँ उषा जी उसी काम को आज आगे बढ़ा रही हैं जहाँ उन्होंने छोड़ा था, उसके बाद देखिए आज आप कहाँ तक पहुँचते हैं हम लोग। जी आगे उषा जी। नमस्कार सर, आदरणीय सुदेश शर्मा सर एंड विजयल सर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैं वैक्स में काम कर रही थी वो तकरीबन कंप्लीट होने वाला है,
आज क्योंकि मुझे एमसीई में करना था इसलिए ये है वो स्कल्पचर जो आपने परसों छोड़ा था। हाँ जी बिल्कुल। देखिए आप उसके एनाटॉमी भी देखिए, जो फिजिक है वो भी आप देखिए किस तरह से, जहां पर मसल्स होने चाहिए वहां मसल्स दिखाई दे रहे हैं, और सारा बिल्कुल स्ट्रक्चर ऊपर से नीचे तक जैसा होना चाहिए वही है। ये वही तार है, ये वही आर्मेचर है, और ये सिर्फ वैक्स है जो कल तक बंडल में पड़ा था, आज निकल के कहां पहुंचा है। देखिए एक कंपोजिशन होगी एक साथ, और जो चीजें हैं वो अलग अलग कास्ट होके बाद में वेल्ड होंगी, जो इसका बैग रखा था और वो सारी चीजें, तो वो कास्टिंग के बाद ही क्लियर हो पाएगा। आज मैं एक मकेट बनाना बताऊंगी एमसीएल में। पहले मैंने उसी तरह से आर्मेचर बनाया, आर्मेचर कल क्योंकि पिछली क्लास में सब लोग पूछ रहे थे कि मकेट क्या होता है, एक छोटा प्रतिरूप होता है। अब जैसे पीछे ये स्कल्पचर दिख रहा है, मैं इसको डायरेक्ट कार्विंग करूंगी तो कहीं ना कहीं गलतियां होने का डर रहता है, तो उससे बचने के लिए हम एक छोटा मकेट बना लेते हैं, फिर उससे साइज नाप के 10 गुना 20 गुना जितना हम बड़ा बनाना चाहें हम बना सकते हैं। तो पहले मैंने उसी तरह से वायर में आर्मेचर बनाया और उसके ऊपर कोई भी, अब बड़ा अगर हम बनाते हैं तो कोई रस्सी वगैरह हम लपेट लेंगे। उसका रीजन ये है कि एमसील कम वेस्ट होगी और जल्दी ड्राई हो सकेगी। तो इस तरह से आर्मेचर कंप्लीट हमने तैयार कर लिया। उसके बाद एमसील ये होती है, दो पार्ट आते हैं, एक हार्डनर होता है इसका, ये हार्डनर है और ये ब्लैक पार्ट है। ये हार्डवेयर की दुकान पर आसानी से मिल जाता है ये? हाँ जी बिल्कुल आराम से मिल जाता है। इन दोनों को बराबर लेंगे और मिक्स कर लेंगे, एक साथ पूरा नहीं मिक्स करेंगे, अदरवाइज वो हार्ड हो जाएगा और काम नहीं हो पाएगा। और इसमें चॉक पाउडर या टेलकम पाउडर भी यूज कर सकते हैं, जिससे वो हाथों पे चिपके नहीं और इजीली उसको प्रिपेयर कर सके। वैक्स में कभी भी नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वैक्स मेल्ट होने का और शेप चेंज होने का डर रहता है। क्ले में बना सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस में बना सकते हैं, एमसील में बना सकते हैं। हम मकेट की बात कर रहे हैं। हाँ जी मकेट हरदम जो है वो एमसील में बना लें या जो है हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में बना लें, वैक्स में नहीं, वैक्स में नहीं बनाना चाहिए। इस तरह से ये तैयार हो गया एमसील, इसको अप्लाई करना शुरू करते हैं। जरा सा ऊपर रखे तो कैमरे में दिखाई भी देता रहेगा। हाँ या थोड़ा सा कैमरा जो है नीचे करना। जी बिल्कुल ठीक। हेलो सर जी बताइए। सर कुछ डिस्टरबेंस? हाँ मैं देख रहा हूँ भाई। दीपक जी सबको म्यूट कर दे रहा। मैं सभी पार्टिसिपेंट से विनती करना चाहूंगी प्लीज अपने माइक को म्यूट रखें, थोड़ा सा म्यूट योर माइक।
मुझे लगता है मकर बनाना उनके लिए भी बहुत जरूरी है जो बहुत बड़ा काम करते हैं, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो अगर वो डायरेक्ट बनाना शुरू करेंगे तो चलेगा, क्योंकि उनको तो फॉर कॉमर्शियल पर्पस नहीं बनाना ना, उनको सिर्फ सीखने समझने के लिए बनाना है, तो वो तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। मकर तो उनके लिए रहता है जो प्रोफेशनल काम करते हैं, 10-10 फीट के काम करते हैं, 20-20 फीट के काम करते हैं, उनके लिए रहता है। अपना उषा जी माइक ऑन कर लीजिए, अपना उषा जी माइक ऑन करिए। यस सर। हाँ अब ठीक है। छोटा साइज में इसलिए बना रही हूँ जिससे कि कंप्लीट टाइम से हो सके और सभी लोग देख सके कंप्लीट। नहीं आपके लिए तो ठीक है, लेकिन जो देख रहे हैं उनके लिए मकट बनाना कोई बहुत जरूरी नहीं है, वो थोड़ा बड़ा ओरिजिनल बना सकते हैं, थोड़ा बड़ा बना सकते हैं। और जो आप एम सील में बना रही हैं, ये भी इनको बताना पड़ेगा कि एम सील में बनाया हुआ जो जो भी कुछ है मकट है या जो भी आप फेस बना रहे हैं, पीस बना रहे हैं, उसके लिए दोबारा कुछ आपको कास्टिंग और मोल्डिंग करने की जरूरत नहीं है। दैट विल बी द फाइनल वन, कंप्लीट हो जाएगा। तो अब जैसे बिगनर्स हैं उनके लिए ये बहुत इजी है, उनको कास्टिंग के लिए या इधर उधर कहीं और किसी की हेल्प की नीड नहीं रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल अपने आप। लेकिन अगर वैक्स में बनाएंगे तो उनको फिर मोल्डिंग और कास्टिंग करवानी पड़ेगी, फिर वो पूरे प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। इसलिए ये शॉर्टेस्ट रूट है अपना पीस से दिखाने के लिए कि वो एम सील में बनाया जाए। इसमें टू डायमेंशनल भी कर सकते हैं, रिलीफ वर्क टाइप या कुछ भी अगर चाहते हैं, परमानेंट वॉल के लिए भी कुछ बना सकते हैं। वॉल में जो बनती है उनको हम लोग नीचेस बोलते हैं, जिसमें हाफ पोर्शन फ्रंट सामने दिखाई देता है, बैक साइड जो होता है दीवार के अंदर होता है, मतलब प्रोजेक्टेड फिगर रहती है, थ्री डायमेंशनल नहीं होगी एक तरह से माना जाएगा। ये थ्री डायमेंशनल जनरली हम लोग उसको बोलते हैं जिसके आगे पीछे जब घूम करके हम देख सकते हैं, लेकिन ये था वो बिल्कुल दीवार पर, हाफ दीवार के अंदर और बाहर थोड़ी सी प्रोजेक्टेड फिगर रहती है। बहुत सी आपने देखी होंगी, वो भी एम सील से हो सकती हैं, बल्कि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से भी हो सकती है, मैंने देखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस से भी बनाते हुए। जैसे आपने कोई गांव का सीन बनाना है तो जो आपने पेड़ बनाया या झोपड़ी बनाई, वो पेड़ जो है आधा इंच दीवार से ऊपर होकर के वो एक शेप देने की कोशिश करेगा उसमें, तो वो लगेगा एक अलग से जैसी पेंटिंग के अलावा, थोड़ा सा ये थ्री डायमेंशनल हो जाता है, थ्री डायमेंशनल टोटल तो नहीं बोलेंगे लेकिन फिर भी वो काफी सुंदर लगने लगता है। या झोपड़ी बनाना है उसको थोड़ा सा जो ड्राइंग है उसको हम बाहर की तरफ प्रोजेक्ट कर देते हैं, इसलिए हर चीज जो उसमें बनी है वो थोड़ी थोड़ी प्रोजेक्टेड होती है बाहर की तरफ से, तो वो एक अलग शेप दिखाई देती है उसकी, वो हम लोग एम सील से या प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना सकते हैं। यस सर। और इसको कंप्लीट करने के बाद फिनिशिंग के लिए इसको सैंड पेपर से उससे आप स्क्रैच करके उसको शेप ला सकते हैं।
एक बार जरा कैमरे के सामने शेप दिखाइए, कैसी दिखाई दे रही है? बिल्कुल, हाँ जरा घुमा के दिखाएं, ये देखिए यार, बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास एम सील में ये फिगर जा रही है। कल लास्ट क्लास में किसी ने मुझसे बुक के लिए भी पूछा था कि ये मेथड एंड मटेरियल के ऊपर कोई अगर बुक है, तो ये एक बुक है मेरे पास, मैंने इसकी तो फोटोकॉपी कराई है लाइब्रेरी से। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्कल्पचर टेक्निक्स, जॉन डब्ल्यू मिल्स, ठीक है। हाँ हाँ, ये आपने नोट कर लिया होगा सबने, अगर जरूरत पड़ेगी तो उनको मिल सकती है ये। यस सर, और नेट पे देख सकते हैं, और भी बुक्स हैं अवेलेबल हैं काफी सारी। ये सब इस पर डिपेंड करता है आप कितना जो है आपने ड्राइंग करी है, आपने कितना की चीजों को ऑब्जर्व किया है, उसके हिसाब से ही आप सारा उसमें टेक्सचर दिखा पाएंगे। मैंने आपको ध्यान होगा जब वर्कशॉप शुरू हुआ था तभी मैंने कहा था कि आप कला के आर्ट के मामले में डरना बंद कर दें, आपने जो बनाया है वो आपके लिए मास्टरपीस है, आप उसको अपने आप पर प्रिजर्व करके रखिए, फर्दर आप जब बनाएंगे तो वो उससे अच्छा होने वाला है। इसलिए जो उषा मैडम बना रही हैं वो आप शुरू तो करें, कम से कम आप शुरू करेंगे तो देखेंगे कि आप उसमें कहाँ कहाँ पर कमी है, क्या बनाना और ठीक किया जा सकता है, धीरे धीरे परफेक्शन आने लगेगा आपको। फिर दिखाइए थोड़ी देर बाद, क्योंकि आप जो है बातें कम काम ज्यादा हो रहा है। या ये देखिए शेप आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल शेप आ रही है, गुड जी। इसके लिए कुछ स्पेशल टूल्स की जरूरत नहीं होती है, अपने टूल्स खुद भी बना सकते हैं हम।
सबसे खास बात ये रहती है कि जिस तरह का काम करना है वो आपने देखा कितनी बार है, कितनी तरह से देखा है। जब भी अगर आपने स्कल्पचर बनाना है या इस तरह कोई चीज बनानी है तो जो चीज ऐसी बनी हुई है उनको आप देख देख करके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फिर जब आप अपनी बनाएंगे तो वो आपकी अपनी होगी। आपने 10 चीजें देखी होंगी लेकिन जो आप बनाएंगे वो आपकी 11वीं हो, वो 11वीं चीज होगी। तो इस तरह से ज्यादा ऑब्जर्वेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। जितना आपने ऑब्जर्व करेंगे उतना ही आप फिर जो है क्लीन क्लियर और परफेक्ट ऑब्जेक्ट जो है बना पाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ऑब्जर्वेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड हर चीज में, हर काम में। आपने प्रॉपरली ऑब्जर्व किया है तो आप उसका उसी तरह से जवाब भी दे सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, या मैम आपने इसको बनाने के लिए इसका भी वायरिंग से आर्मेचर क्रिएट किया था? हाँ, आर्मेचर किया था। ये वायर मैंने जो लास्ट टाइम दिखाया था, क्योंकि ये छोटा काम किया है तो मैंने थिकनेस कम रखी है वायर की। अच्छा, फिर उसके ऊपर पतला धागा या कपड़ा यूज किया गया है? मेरे पास तो ये कलावा पड़ा था तो मैंने यही लगा दिया। कुछ इस तरह की चीज रहे जो इसको पकड़ भी सके ठीक से। बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल करेंगे तो रस्सी अच्छा है। मैंने आपको पिछली बार शायद बताया था कि आर्मेचर के ऊपर मैंने देखा है लोगों ने कपड़ा लपेट करके काफी और उसको डिप कर दिया खाली प्लास्टर ऑफ पेरिस में, तो एक अलग से मॉडल बन जाता है कि उस पे थिकनेस आ जाती है वायर के ऊपर। सेम टाइप ये है कि बहुत ज्यादा एमसी लगाने से अच्छा ये कि हम बेस में अंदर कुछ कपड़ा या इस तरह कोई चीज लगा दें, उसके ऊपर एमसी लगाते हैं तो एमसी कम भी लगती है और सॉलिड भी होती है। नीचे मैंने कागज भी लगा दिया था अंदर। मैम इसको क्रिएट करने के बाद आप क्या इसको फिर पॉलिश करेंगे? हाँ, इसको फिर अच्छी फिनिश के लिए इसको अगर हम उससे कर देंगे सैंड पेपर से तो अच्छा लुक आ जाएगा, हार्ड हो जाएगा तब उसके बाद। जैसे कहीं कहीं पे अगर ये थोड़ा सा देखो लाइंस वगैरह रह गई या कुछ है वो क्लीन हो जाएगा। ये सैंड पेपर भी किस नंबर का लगेगा ये बता दीजिए जरा। सबसे कम वाला ही जरूरत पड़ेगी इसके लिए। सबसे महीन आता है बिल्कुल, वो आप बताएंगे तो उससे ज्यादा इजी रहेगा। आप दिखाइए जरा कैमरे के पास दिखाइए कट, और शेप को और भी बेटर किया जा सकता है। आप देखिए कि इतना ही मुझे लग रहा है कि अगर इसी को डिस्प्ले कर दिया जाए तो बिल्कुल इसको लोग समझ लें कि आप क्या पीस है ये बोलेंगे। इसको फर्स्ट क्लास माउंट करा करके अगर रख दिया जाए खुद में पीस हो गया। या देखिए आप मैम इसके बाद कंप्लीट होने के बाद इसके ऊपर हम कलर कर सकते हैं? इसके बाद कंप्लीट होने के बाद इसके ऊपर हम कलर कर सकते हैं क्या? समझ नहीं पाई। कलर कलर करना है? हाँ बिल्कुल, एक्रेलिक कलर कर सकते हैं आप। एक्रेलिक कलर करिए इसके ऊपर, मेटल इफेक्ट देना है मेटल इफेक्ट दीजिए। ओके थैंक यू। कुछ कलरफुल आपको पसंद है? नहीं, और कलर की ऐसी एसएच और कलर नहीं, एक्रेलिक बेस्ट होता है। तो मैम इसके बाद एक्रेलिक के बाद इसमें शाइनिंग के लिए क्या करें? मल्चिंग करना है? नहीं कुछ नहीं, उससे इसका लुक खराब हो जाता है। शाइनी या ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। जैसे सर बता रहे थे कपड़ा लेके उसी तरह से आर्मेचर बनाओ, उसके ऊपर कपड़ा लपेटो, वो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस में डिप करके उसको लपेटते जाओ और फिर उसके बाद उसकी इसी तरह से शेप दे सकते हैं। और एक तरीका है क्ले में बना के उसका मोल्ड लेकर के। उसमें तो डायरेक्ट आप स्कल्पचर ही करिए। नहीं ना, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस में काम करना है तो उसमें मतलब डायरेक्ट कैसे बनेगा? कपड़ा लपेट करके उसको डिप करना पड़ेगा डायरेक्ट अगर आपको पीओपी में काम करना है तो।
पहले आर्मेचर बनाएंगे, अगर बड़ा काम है तो आप जो काम ये वायर से हो रहा है वो रॉड से करना पड़ेगा आपको, और नेल से उसको किसी लकड़ी के फ्लैट सरफेस पे जैसे कोई तख्ता या ऐसा कुछ लेके उसके ऊपर आपको करना पड़ेगा, उसको जाम करना पड़ता है, उसके ऊपर जाम करना पड़ता है। आप लोगों ने जैसे देखा हो कभी कभी खैर हॉस्पिटल में जब वो प्लास्टर होता है कपड़ा लपेटते हैं, उसके बाद कपड़ा नॉर्मल होता है बैंडेज, उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते जाते हैं तो कितना हार्ड हो जाता है। ये सेम प्रोसेस है, आप कोई भी आर्मेचर लेकर के उसके ऊपर कपड़ा लपेटे जितना आपको चाहिए, उसके बाद उसके ऊपर जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा दें, और प्लास्टर ऑफ पेरिस की थिकनेस होनी चाहिए क्योंकि बाद में अगर आपने उसमें कार्विंग करी या कुछ उसमें इफेक्ट लाना शुरू किया तो कपड़ा ना निकल आए, इसलिए उस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का थिक प्लास्टर होना चाहिए। सर हम लोग जब क्ले से मॉडलिंग कर क्ले से आर्मेचर बनाते हैं तो उसको हम लोग बाद में पीओपी का मोल्ड लेते हैं क्या? बनाने के बाद अगर आपने उसको टेराकोटा रखना है तो आप उसको बेक करेंगे, और अगर आपको उसका मोल्ड लेना है पीओपी में, उसको आपको फाइनल जो स्कल्पचर है पीओपी में रखना है तो आप पीओपी से ही मोल्ड लेंगे और पीओपी कास्ट करेंगे। तो मैम पीओपी के मोल्ड के लिए मतलब हमें उसको डिप करना पड़ेगा पीओपी में तो उसका वो मोल्ड बन जाएगा? नहीं नहीं नहीं, उसका प्रोसीजर है आप पहले उसको क्ले में बना लेंगे, फिर आप देखेंगे आपकी फॉर्म कैसी है, अगर फॉर्म कॉम्पैक्ट है जैसे ये है तो ये दो पीस में ही निकल आएगा इसका मोल्ड, और कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है फ्लाइंग फॉर्म है कुछ इस तरह की फॉर्म है तो आपको उसके लिए देखना पड़ेगा, उस तरह से होना चाहिए कि अंडर कट्स जहां है वहां पे कैमरा ऑफ हो गया, वहां पे आपको अलग अलग पीसीज में मोल्ड लेना होगा। मैम कैसे करना है एक बार फिर से समझा दीजिए, आपको कैमरा ऑफ हो गया था। नहीं बता देती हूँ आपको, एक्चुअली क्या होता है जब मैं स्कल्पचर करती हूँ तो बता नहीं पाती हूँ, ये कंप्लीट ही हो गया है वैसे आप देख लीजिए, बस इसी तरह से करना है इसके साथ। एक मेरे पास है मैं वो दिखाऊंगा आप, तब तक आप उषा जी, उषा जी यस सर, एक मेरे पास अभी टेराकोटा हमारे सामने है वो मैं बताता हूँ। देखिए ये टेराकोटा है, ये पहले क्ले में बना था, आप देख रहे हैं कि किस तरह की फिगर है, ये क्ले में बना था, इसको बाद में हम लोगों ने बेक किया, और बेक करने के बाद ये वन पीस है मास्टर पीस कहलाएगा ये, इसके बाद इसको बेक करने के बाद हम लोगों ने ऊपर से पेंट कर दिया, और ये 25 ईयर्स ओल्ड है जो बनाया गया था, अभी भी बिल्कुल उसी तरह, ये ब्रिक होता है जैसे पकने के बाद ब्रिक हो जाता है। अब जैसा अभी कह रहे थे क्ले में बनने के बाद हम उसको क्या मोल्ड बनाएं तो कितने पीस में बनेगा, अब इसमें देखिए जो ये डेप्थ दिखाई दे रही है अंदर, अगर आप ऊपर से एक पीस बना देंगे और तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसके अंदर चला जाएगा, और फिर वो प्लास्टर ऑफ पेरिस निकल नहीं सकता, ये निकल नहीं सकता, या अगर ये निकल गया तो दोबारा जो मटेरियल आप बनाएंगे वो जाके इसमें फंस जाएगा, इसलिए हम लोग इसका अगर मोल्ड बनाना है तो इसका मोल्ड कम से कम चार पीस में बनेगा, एक इधर से बनेगा, एक इस तरफ से बनेगा, एक आधा इधर से बनेगा और आधा इधर, कम से कम चार पीस में इसका मोल्ड बनेगा, तब वो मोल्ड बनने के बाद मेरा कोई पीस अगर उसमें जाते हैं फाइबर में बनाते हैं या प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी बनाते हैं तो वो फिर हम एक एक मोल्ड का एक एक पीस अलग करते जाएंगे तब जाके ये सॉलिड पीस बनेगा। ये क्ले में टेराकोटा है जो अभी मैडम बता रही थी, उसको हम लोगों ने ऊपर से पेंट कर दिया है बस इस तरह से, ये नीचे से ऐसा है, ये क्ले में बना था खाली। एक चीज ध्यान रखनी होगी, साबुन पानी और तेल तीनों मिला के सेपरेटर बनाना होगा जिससे कि पीओपी इसके ऊपर चिपके नहीं, ये कंप्लीट हो चुका है, बाकी फिनिशिंग इसकी मैम एक मिनट की बात होगी।
मैम इसके ऊपर पीओपी का मतलब अगर कोटिंग करनी है तो वो हम लोग को पेस्ट लगाना होगा। अब आप देखिए इसके अगर मुझे मोल्ड लेना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इसके यहाँ सेंटर से पहले हम क्ले की पट्टी बनाएंगे, उसको इस तरह से लगा देंगे, फिर पीओपी हम घोलेंगे एक बकेट के अंदर, बिल्कुल जैसे क्रीम होती है उस तरह से हमें उसको खुलाना है, क्रीम जैसा रहना चाहिए उसकी कंसिस्टेंसी। फिर उसका जो फर्स्ट लेयर है वो ज्यादा पतली रखेंगे और उसको आधा हमने, क्योंकि मैं सिंपल बता रही हूँ जिससे इजी रहे, दो पीस का सिर्फ मोल्ड बता रही हूँ, आधा इस तरह से मैंने पूरा पट्टियां कर दी है, कम से कम बड़ा पीस होगा इसका तो हम इतने छोटे वक्त का नहीं हम बात कर रहे हैं, कम से कम ये एक पीस है जैसे, तो हम 2 इंच तक की पट्टी लेंगे, उसको लगाएंगे, फिर हम उसके ऊपर सेपरेटर लगाएंगे, सेपरेटर जो मैंने बताया साबुन पानी और तेल तीनों गर्म करके उसको घोल लेंगे अच्छे से और सेपरेटर ब्रश से अप्लाई कर देंगे, उसके बाद पीओपी को हम इस तरह से छिड़कते हैं ऐसे कर करके, और पहली लेयर जब हो जाती है दोबारा घोलते हैं, फिर और तीसरी, कम से कम 3 लेयर में हम उसको पूरा करते हैं, जब वो हार्ड हो जाता है फिर वो जो हमने पट्टियां हमने लगाई थी क्ले की उनको हम हटा देते हैं, उसको हटाने के बाद अब फिर से इधर सेपरेटर लगाते हैं, ये हिस्से में हमने कर लिया काम, अब हम इधर सेपरेटर लगाएंगे उन साइड्स में। एक चीज और अच्छी रहती है कि जो हमने इधर हमने किया है काम उसमें हम थोड़ा सा ग्रूव कर दें, मतलब थोड़ा थोड़ा गड्ढा कर दें, तो जब हम उसके ऊपर क्ले लगाएंगे तो दूसरी साइड का जब मोल्ड लगाएंगे तो वो उन हल्के हल्के गड्ढों में वो ग्रूव्स में वो अटक जाएगा, तो मोल्ड अपना सही जगह पे फिक्स होगा। फिर उसके बाद इधर भी हम इसी तरह से प्रोसेस करेंगे, फिर बाद में चीजल और हैमर से हम इसको अलग करेंगे धीरे धीरे। और एक तरीका है जो इजीली अलग हो जाए, बीच बीच में हम क्ले की छोटी छोटी पट्टियां रख देंगे, तो जहां हम चीजल लगाएंगे वो चीजल आराम से उस क्ले में घुस जाएगी और मोल्ड को हम इजीली अलग कर सकते हैं। जब 2 पीस में मोल्ड हो गया अब आपको उसको करना है पीओपी में, तो आप उसको फिर से क्या करेंगे, गीला करेंगे अच्छे से, फिर उसके ऊपर सेपरेटर लगाएंगे, सेपरेटर लगाने के बाद उसको आप बांध देंगे, बांध के रस्सी से बांधेंगे उसको, जोड़ने के बाद दोनों पीसेस को फिर उल्टा करेंगे और उसमें पीओपी पोर कर देंगे इसी तरह से लिक्विड, और फिर उसके बाद हम एक काम करेंगे कि वो उसमें स्ट्रेंथ रहे, रॉड आयरन रॉड जो है वो उसके अंदर डाल देंगे, फिर उसको अलग करेंगे पीसेस को, तो वो जो मोल्ड है क्योंकि 2 पीस का मोल्ड नॉर्मली रुक नहीं पाता है, तो वो अगर छोटा है कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म नहीं है पीस छोटा है तो इजीली दोनों पीस आराम से निकल आएंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो टूट भी सकता है, उसके लिए फिर हम कई पीसीज में मोल्ड लेते हैं अगर हम चाहते हैं वो मोल्ड हमारे पास हमेशा रहे। फिर उसमें हम मोल्ड को हटा देंगे चीजल हैमर से और हमारा जो पीस है वो क्ले से पीओपी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको? लास्ट क्लास में कुछ प्रॉब्लम नहीं? हेलो, यस मैम, आपको क्लियर हो गया? हाँ मैम क्लियर हो गया। हाँ, अब एक लास्ट क्लास में बात हुई थी कि जो कास्टिंग है हमने बात की थी लॉस्ट वैक्स प्रोसेस या सायर पर्डू, जो मैं करती हूँ वैक्स में, मैं जो काम करती हूँ उसके बाद उसका मोल्ड और कास्टिंग कैसे होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है फॉर्म, इजी है फॉर्म, ग्रेविटी कास्ट सिस्टम से करते हैं, और फॉर्म ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो हम लो कास्ट सिस्टम से करते हैं। तो ग्रेविटी कास्ट सिस्टम में बहुत इजी होता है करना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना जो स्कल्पचर है
उसके ऊपर ये मैंने एक ड्राइंग बना दी थी जिससे समझाना इजी हो। ये है, क्लियर हो रही है क्या जी? ये ग्रेविटी कास्ट सिस्टम है, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म नहीं है, सिंपल फॉर्म है। तो और छोटे जो स्कल्पचर्स हैं उनमें ये इजी होता है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। तो इसमें हम सबसे पहले एक ये फनेल लगाते हैं जो कि एक स्क्रू से जुड़ा होता है। स्क्रू मतलब क्लियर हो रहा है ये? हाँ हाँ ठीक है, फनेल है ये। हाँ फिर ये फनेल को लगाते हैं एक तरफ से और दूसरी तरफ हम लगाते हैं इसमें क्या करते हैं हम इसको जमीन के ऊपर रखते हैं। फनेल और स्क्रू लगा के स्कल्पचर इसके ऊपर हम टिकाते हैं। उसके बाद हम इसमें इसको उल्टा करते हैं, इसमें फोर भरते हैं। जो हमारा स्कल्पचर है वो मैं जो करती हूँ, अभी तो ये सॉलिड किया हुआ है, जैसे अब ये पीस है इसमें अगर मुझे करना है ये जैसे है, तो इसमें मैं क्या करूंगी, एक तरफ मैंने फनेल लगाया जो स्क्रू से जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ मैं राइजर लगाऊंगी। ये तो होगा जो उसके अंदर वैक्स जो है सबसे पहले वो अंदर हम कोर भरते हैं। कोर क्या होती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्रिक डस्ट और लूटो, जो जला हुआ कोर होता है उसको तीनों को बराबर मात्रा में मिला के इसमें डालते हैं इस वाले पीस में और बीच में रॉड डालते हैं स्ट्रेंथ के लिए। ये छोटा काम है तो रॉड नहीं, थोड़ा मोटी वायर चलेगी, और बड़े पीसेस में हम रॉड डालते हैं। जब वो प्रोसीजर पूरा हो जाता है उसके बाद हम रनर राइजर्स लगाते हैं। रनर राइजर लगाने का तरीका यही है, सिंपल अगर फॉर्म है तो एक तरफ से ये लगाया और ये जो वैक्स है ये आप देख रहे हो, ये वैक्स की लाइन है सारी जो दिख रही है, ये वैक्स की लेयर है पूरे स्कल्पचर पे है। ये रॉड है जो कोर के अंदर लगाई थी और इधर दूसरी साइड राइजर है। राइजर का काम मैंने बताया था लास्ट क्लास में क्या होता है कि अगर इसके अंदर हम जैसे ही मेल्टेड वैक्स वो मेटल डालते हैं तो गैस बनती है, तो वो फ्लो कहीं रुके नहीं, तो वो गैस इसके थ्रू राइजर के थ्रू बाहर निकल आती है और जो स्कल्पचर में पूरा मेटल चला गया है या नहीं ये भी पता किससे चलता है, जब इससे राइजर से वो बाहर आने लगती है वैक्स तो पता चल जाता, वो मेटल तो पता चल जाता है कि यहाँ पे मेटल पूरा इसमें पूरे स्कल्पचर में जा चुका है। उसके बाद हम इसको एक टिन की शीट होती है जो 1.5 से 2 इंच की दूरी पे कम से कम रहनी चाहिए, ऊपर भी और साइड्स में भी, वो शीट को हम गोल करके घुमाते हैं और उसको उसके स्कल्पचर के चारों तरफ रख देते हैं। उसे रखने के बाद फिर हम उसके अंदर एक चिकन नेट लगाते हैं, मार्केट में मिलता है चिकन नेट, उसको लगाते हैं अंदर ही टिन के अंदर, उससे लगा हुआ रहता है वो, और फिर उस टिन को वहां पे एग्जैक्ट शेप देके और उसको रस्सी से बांध देते हैं। बांधने के बाद वो वहीं पे टिका रहे उसके लिए हम एक तरीका अपनाते हैं कि हम चारों तरफ उसके प्लास्टर ऑफ पेरिस नीचे भी लगा देते हैं और जो जोड़ ऊपर हमने टिन को इस तरह फोल्ड किया है जो जोड़ होता है उस पे भी हम लगा देते हैं। फिर उसके बाद फिर से प्लास्टर ऑफ पेरिस घोल के हम उसमें नीचे अंदर डालना शुरू करते हैं रनर राइजर्स लगने के बाद, और फिर हमारा स्कल्पचर वो ऊपर तक पूरा हम उससे फिल कर देते हैं। वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है, वही प्लास्टर और जो हमने कोर भरा था, कोर हमारा थोड़ा बाहर तक निकलना चाहिए, जो ये फनेल और ये राइजर है इस तक आना चाहिए हमारा कोर, वो आ जाएगा पूरा फुल हो जाने के बाद हम इसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं। जब 2-3 दिन में सूख जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्रिक डस्ट और ये लूटो जो मिक्स हमने लिक्विड डाला था, जब वो सूख जाता है उसको फिर हम टिन को हटा देते हैं, जो चिकन नेट है वो
फोल्डिंग लेके इसको मोल्ड किया, उसके बाद हम इसको पलट देते हैं, पलट के हम इसको रख देते हैं, फिर भट्टी तैयार की जाती है, उस भट्टी में इसको फिर से वापस सीधा रखते हैं, जो जो फनल वाली साइड है वो नीचे रहती है, तो जितना भी हम भट्टी के नीचे कोयले वगैरह और जो उपला और ये सब होता है वो जला के और लकड़ियां जला के उसकी जो वैक्स है उसको मेल्ट करते हैं, हीट देते हैं और चारों तरफ से उसको हम कवर कर देते हैं जो हमारी भट्टी है। ये जो है सारे मोल्ड रख दिए जाएंगे ईंटों की सहायता से और नीचे इनके आग के लिए एक स्पेस छोड़ दिया जाएगा और ये पूरे के पूरे कवर कर दिए जाएंगे। फिर ये रात भर इनको छोड़ देते हैं आग जलते हुए, तो ये सारी जो वैक्स है वो मेल्ट होके इसमें से निकल जाती है। उसके बाद क्या बचता है, उसके बाद ये मोल्ड बचता है और खाली स्कल्पचर। अगर हम फ्लो कास्ट सिस्टम से करते हैं तो हमें उसमें नेल्स भी लगाने पड़ते हैं, नेल्स ब्रास के होते हैं, आयरन के भी लगा सकते हैं बट ब्रास के नेल्स लगाते हैं वो ज्यादा ठीक रहते हैं, जिससे कि कोर जो अंदर हमने कोर भरा था वो और बाहर का जो इन्वेस्टमेंट है आपस में जुड़े नहीं। अगर वो आपस में जुड़ गए कहीं से भी तो वहीं पे मेटल का फ्लो रुक जाएगा, मेटल का फ्लो रुकेगा तो स्कल्पचर जो है वो उसी जगह से खाली रह जाएगा, वहां पे कुछ नहीं आएगा, मेटल वो जगह पे नहीं पहुंच पाएगा। तो फिर क्या करते हैं हम उसको नेल से हम उसको अच्छे से, और ये जो हम रॉड देते हैं सपोर्ट के लिए कोर में, इससे कोर टूटेगी नहीं और वो अपनी जगह फिक्स रहेगी। कोर को हम बाहर की तरफ इसलिए निकालते हैं जिससे कि ये कोर बाहर के इन्वेस्टमेंट की सपोर्ट के साथ रुकी रहे। तो यहाँ से ये इसके साथ कुछ जगहों पे जुड़ी रहती है जहां पे हमने ये राइजर और रनर और वो सब लगाए, उसके अलावा बाकी स्पेस जो है इसका इसके साथ जुड़ा रहता है। फिर इसको हम फिर से पलटते हैं, मेटल मेल्ट करते हैं, हम ब्रोंज में स्कल्पचर करते हैं तो ब्रोंज अलॉय यूज करते हैं जिसमें कि 85% तो कॉपर रहता है और 5% रहता है टिन और 10% जिंक रहता है, तीनों का मिक्स किया धातु होता है जो कि ब्रोंज बन जाता है 980 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 980 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो मेल्ट होता है। उसको फिर हम इसको इन्वेस्ट, ये जो हमने मोल्ड है हमारा हम फिर से इसको उल्टा रख चुके हैं और फिर ये वाली साइड जो जो नीचे है ये ऊपर है। अब इधर से हम मेटल पोर करते हैं, पोर करते हैं तो ये मेटल, ये जितना भी लेयर है हमने डिपेंड करता है हमने स्कल्पचर कितना बड़ा साइज का बना रहे हैं, 1 फुट तक का है तो 2 फुट की मोटाई काफी रहती है, अगर उससे ज्यादा है तो हमें उसको लेयर को ज्यादा मोटा करना पड़ता है। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है, जैसे अगर 5-6 फीट का है तो 3-4 सूट तक का, और फ्लाइंग फॉर्म है अगर उसमें कुछ पतली जगह है तो वहां पे 4 सूट तक की भी मोटाई हमें रखनी पड़ती है स्कल्पचर में। फिर उसके बाद वो कोरिंग हो जाती है और मोल्ड को फिर हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब मोल्ड ठंडा हो जाता है और मेटल हमारा हार्ड हो जाता है क्योंकि हमने इसको लिक्विड फॉर्म में डाला था, तो फिर हम इस बाहर का जो मोल्ड है इसको तोड़ देते हैं, अंदर का रॉड की सहायता से हम उसको हिला के और अंदर की कोर भी सारी निकाल देते हैं। फिर जो हमने ये रनर राइजर्स लगाए हैं इनको हम कट कर देते हैं और फिर इसकी फिनिशिंग वगैरह की जाती है। आपने मैडम जो बता रही हैं वो हॉलो हॉलो बता रही हैं, हॉलो कास्टिंग है। हॉलो ही करते हैं मेटल क्योंकि एक तो बहुत हैवी होता है, दूसरे बहुत एक्सपेंसिव होता है। आप जो हमारे दर्शक हैं या जो पार्टिसिपेंट हैं वो ये समझ गए होंगे कि इस तरह के काम करने में जो बड़े बड़े प्रोफेशनल्स काम करते हैं कितने उसमें झंझट हैं, कितना काम करना पड़ता है तब जा करके एक हॉलो पीस बनता है। लेकिन जैसा हम अभी बता रहे थे उनको कि अगर इन लोगों ने काम करना है तो वो जो आपने बताया एमसील से कर सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से कर सकते हैं, क्योंकि जो है इनको कोई हम बहुत बड़ा कोई स्कल्प्टर बनाने नहीं जा रहे हैं जो सुन रहे हैं, ना उनको हम बहुत बड़ा कोई आर्टिस्ट बनाने की एक तमन्ना रखते हैं,
हम उनको ये बता रहे हैं कि वास्तव में वो घर बैठे किस तरह से अपनी क्रिएटिविटी डेवलप कर सकते हैं, छोटे छोटे पीस बना सकते हैं। जैसे आपने अभी जो पीस बनाया था पहले एम सील में, मैं समझता हूँ वो तो जितना बना है उतना ही आजकल बाजार में जो है एक अलग से पीस दिखाई देता है। ये वाला क्या चीज है, इसके चारों तरफ प्लास्टिक का जो बॉक्स लगाकर नीचे बेस लगा करके तो एक बड़ी यूनिक चीज बन जाएगी। तो इस तरह से उनकी क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए सारी चीजें हम बता रहे हैं। आपने जितना बताया वास्तव में ये बिल्कुल प्रोफेशनल्स अगर बनना चाहे तो उसके लिए भी तैयार हैं हम लोग, लेकिन फिलहाल ये जो है ये छोटे छोटे पीस अगर बना करके अपना दिखाता है कि इसमें भी हमारा दखल है, हम ये भी बना सकते हैं। ये आपने बड़ा अच्छा बताया है। और ये जो हॉलो वाला बता रही थी तो बड़ा टेक्निकल ज्यादा हो गया, चलो समझ नहीं आएगा, इसीलिए मैंने वो पिक्चर के साथ कोशिश की। हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है, नेचुरली नेचुरली बिल्कुल। कुछ स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे इसलिए मैंने कहा कि चलो ट्राई करती हूँ। नहीं नहीं, उनको लगना चाहिए कि बहुत बड़े बड़े काम बचे हुए हैं, अभी तो ये शुरुआत है, छोटी सी है। यस सर, बिल्कुल 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 ठीक है। तो सिंपल कास्टिंग अगर वो दो पीस में पीओपी से करें या डायरेक्ट पीओपी में करें, अभी जी, मैं उन्हें सजेस्ट करूंगी कि वैसे मैं आपको मैं बताऊं क्योंकि मैंने बहुत से काम देखे हैं। ये जैसा आपने पीओपी का मोल्ड बनाया, yes, तो पीओपी नहीं, जिससे पीओपी का मोल्ड बना दो पीस में, अंदर एक कोई इस तरह की फिगर थी, उसने क्या किया कि उस पीस को जो दो पीस थे मोल्डिंग के उसके दोनों को जोड़ने के बाद भी एक तीसरा बनाया जिसमें बेस भी उसमें लगा दिया तीसरा, और बेस में एक होल कर दिया उसने जिससे हम अंदर मेटेरियल डाल सकें। उसने क्या किया पीओपी में ही, आपने जैसा बताया कि वो साबुन पानी और तेल लगा करके वहां पर उसको सेपरेटर लगाया अंदर, और फिर बाद में उसने जो थर्ड पीस बनाया मोल्ड का जिसे हम अंदर डालते थे उसमें उसने प्लास्टर पेस्ट घोल के डाला और उसको खूब देर तक हिलाता रहा। हिलाने से क्या हुआ कि उसकी जो कैपेसिटी थी प्लास्टर पेरिस की जमने की वो उसमें जम गया जाकर। हिलाने से क्या हुआ, एक जगह इकट्ठा नहीं हुआ वो, सारी जो भी मोल अंदर का पीस था उसमें सारी की दीवार में चपक गया। उसने दोबारा फिर डाला, तिवारा फिर डाला, और तिवारा डालने के बाद मुझे इतना डाल दिया कि कम से कम उसमें आधे सेंटीमीटर की लेयर बन गई चारों में। फिर उसने क्या किया थोड़ी देर बाद उस मोल्ड हटा लिए, अंदर से सॉलिड पीस निकल आया, ना कहीं जाकर उसमें रॉड डालने की जरूरत पड़ी, कहीं ना सेपरेटर लगाने की जरूरत पड़ी, ना कहीं उसमें जैसा पोरिंग करने की जरूरत पड़ी। तो ये सारी इस तरह की चीजें हैं जिसको हम लोग जितना देखेंगे समझेंगे और अपना दिमाग भी अप्लाई करें कि इससे शॉर्टकट क्या हो सकता है, या जो चीज परफेक्ट हम बनाना चाहते हो कैसे बन सकती है। वो मैंने वहां देखा था, उसमें आपने जितना बताया है, आपने तो मेटल से बताया है, मैंने तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से भी हॉलो बनाते देखा इस तरह से। जी जी आगे चीजें ना प्रैक्टिकली आप करते हुए समझाते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ आता है वो। इसी हम लोग कहते हैं बात कम काम ज्यादा। जी जी हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि नहीं, हम नहीं, आज आजकल के जमाने में आजकल क्वारंटाइन जब से चल रहा है सब ये उस वजह से ये जो डेवलप हुआ है सिस्टम जिससे हम लोग बात कर रहे हैं इसमें तो बात ही हो सकती है, दिखाना तो जितना है वो दिखा रहे हैं। आमने सामने होते थे हम लोग जो वर्कशॉप करते तो बिल्कुल सामने बैठकर होता था कैसे क्या हो रहा है, एक एक एग्जैक्ट एक एक पिन पॉइंट दिखाई देते थे। हम लोग जो क्ले में बनाते थे बाद में उसकी बेकिंग करते थे तो हम लोग कंडे ढूंढ के लाते थे, उसकी भट्टी बनती थी, सारे पार्टिसिपेंट जितने होते सब देखते थे भट्टी कैसे बनती है, भट्टी में आग कितना आप किस तरह से बिल्कुल उसको वाटर प्रूफ और वो एयर प्रूफ कर देते थे, फिर एक जगह से हम लोग उसमें आग लगाते थे भट्टी में जो था वो बन के आता था। तो ये सारा कुछ है देखने पर होता है, लेकिन हम लोग जिस तरह से बात करके बता रहे हैं ये बहुत अच्छा चल रहा है। यस आगे और किसी को कुछ पूछना है? मैम मेरा एक सवाल था, मैम जो आपने फिगर बनाया है उसके एक वर्ड आपने लगाई है बाद में, तो मैम उसको स्टिक करने के लिए किसी ग्लू की जरूरत है या फिर वो खुद ब खुद स्टिक हो जाएगा? अगर आप इसको साथ साथ बना रहे हैं तो ये साथ साथ स्टिक हो जाएगा, और अगर आप अलग से लगा रहे हैं तो एक पिन वगैरह लीजिए उसमें आल पिन लगाइए और उसमें वो परमानेंट हो जाएगा, उसमें उसको स्ट्रिक कर दीजिए, बस कोई मुश्किल नहीं है। वैसे ये इस पे लगाया ऐसे भी स्टिक हो गया, और आप फेवी स्टिक से भी आप इसको लगा सकते हैं हार्ड होने के बाद, अलग अलग इनकी फिनिशिंग करने के बाद, क्योंकि ये भी हार्ड हो जाएगा। या तो आप पहले ही बनाते वक्त इसमें पिन लगा दीजिए और फिर उसकी फिनिशिंग के बाद उसमें उसको डाल दीजिए उसका होल पहले, या दूसरा तरीका है फेवी स्टिक से इसको लगा दीजिए, एक ड्रॉप लगाओगे और बस इसको रख दोगे हो जाएगा।
मैम इसमें हाथ वगैरह या फिर कोई अलग से मैम कैप लगी हुई है उसमें फिगर में पीछे जो आपके मैम रखा हुआ है, तो मैम उसको लगाने के लिए वो आप साथ साथ काम करोगे ना साथ साथ। अब जैसे ये बचा हुआ था, ये पूरा हार्ड हो गया, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है, तो इसमें ना तेजी से काम करना पड़ेगा। उसका एक तरीका है, फिर आर्मेचर जो मैंने आपको सिखाया था ना, आर्मेचर मैंने इसीलिए बना के दिखाया था, ये जो फिगर में मैंने आर्मेचर बनाया था वो इसीलिए बनाया था, आर्मेचर में ही हैंड्स वगैरह है। अब आप उसमें लगाते जाइए आराम से, कोई टेंशन नहीं है। जैसे ये मेरा ये सूखा है, मैं इसको सुखाने की बजाय इसी पे लगाते जाती, जैसे शुरू में मैंने वैक्स अप्लाई किया था ना, एक कोट अप्लाई कर दिया था और बाकी फिर बाद में जहां जरूरत थी वहां पे वैक्स एक्स्ट्रा मैं लगाते चली गई, उस तरह से करना पड़ता है काम। थैंक यू मैम। और किसी को कोई क्वेश्चन? आप सबके माइक खोल दे तो आप क्वेश्चन आंसर कुछ हो जाए, इंटरेक्शन अगर है तो। सर मैं अपने स्कल्पचर्स तब तक दिखा दूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत अच्छा रहेगा इन लोगों को। मैम अगर पीओपी, सॉरी एक्सक्यूज मी मैम, पीओपी के ऊपर कौन से कलर्स यूज होते हैं? हेलो मैम, आपका वीडियो ऑफ है शायद। वीडियो ऑफ नहीं, कर चेक कर। नहीं मम्मा ऑन है। ऑन है। हाँ जी ठीक है। आप देखिए फिगर में कौन सा पोस्चर है, कैसे बनाना है, ये सारा ड्राइंग है। ड्राइंग के बाद फिर उसको समझ करके और उसी तरफ से आर्मेचर बनता है और उसी तरफ से फिर ड्राइंग निकल के आती है। ये सारे मेटल में है? यस सर, ये वुड है, बड़ा पीस जो है। अच्छा ये वुड कर रही हूं, वो बड़ा हुआ है बाहर। हां हां बहुत सारे पैक हुए रखे हैं सर, क्योंकि नहीं बिल्कुल ठीक है, डिस्प्ले के लिए निकाले हैं। हाँ हाँ बहुत मार्वलस पीस है, कितने बारीक काम है आप देखिए इसमें, और मेटल पर है सारा कुछ। ये टेराकोटा है लास्ट में। अच्छा ये टेराकोटा है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनाने के उस पर कलर कौन सा करेंगे बताइए, पूछ रहा है कोई। मेटेलिक कलर कर सकते हैं सर, और ब्रोंज का इफेक्ट देने के लिए एक्रेलिक से भी हो जाता है, ब्रोंज से। एक्रेलिक से ही करें इफेक्ट देने के लिए, जो भी करना हो ज्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि अगर वाटर कलर करेंगे तो बाद में वो पानी पड़ने से धुल भी सकता है, लेकिन एक्रेलिक एक बार कर दिया दैट विल बिकम द प्लास्टिक वन। वो डाइल्यूट तो पानी में होता है लेकिन सूखने के बाद प्लास्टिक हो जाता है वो। एक्रेलिक को पानी ज्यादा मिला के यूज करना है, बस ये ध्यान रखना है ऐसा ना हो कि उसकी मोटी अगर लेयर होगी तो वो मेटल जैसा नहीं लगेगा स्कल्पचर। हाँ हाँ हाँ, लेयर बिल्कुल पानी जैसी डालनी है और फिर अगर इफेक्ट नहीं आ रहा है तो दोबारा अप्लाई करने के लिए आपके पास ऑप्शन रहता है, जैसे कलर वगैरह जो अपनी चॉइस का, ब्राउन करना है, ग्रीन करना है, वो आप कर सकते हो। जो आप स्कल्पचर की बुक दिखाई थी एक बार स्क्रीन पर वो दिखा दीजिए। यस बुक वो एक बार, क्योंकि डिमांड है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ स्कल्पचर टेक्निक, जॉन डब्ल्यू मिल्स की है ये। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग अपने अपने पास, फिर आप इसको खोजिएगा कहीं, और ये तो नेट पर भी मिल जाएगी।
नेट पर और भी बहुत बुक्स हैं। हाँ, नेट पे बहुत सी बुक्स भी हैं, मैंने वीडियो भी बहुत से देखे हैं। यस सर, इस कल्चर के बहुत से वीडियो हैं। कल्चर टेक्निक और पीओपी में मोल्ड, ये सब तो बहुत मिल जाएंगे सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ है नेट पे। हाँ हाँ, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए अभी। सर मेरा एक सवाल है जी। सर जैसे कि कोई भी पेंटिंग हो या ड्राइंग हो या स्कल्पचर हो या फिर एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग हो, तो सर बिगिनर्स के लिए मतलब स्टार्टिंग में क्या हमें जो स्केचेस होते हैं वो करना जरूरी है? बिल्कुल, बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको एकदम से चौथे माले पर नहीं पहुंच पाएंगे, आपको पहले माले से ही चढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप ही ड्राइंग आती है। ड्राइंग पहले आपको बनाना है, डिस्टॉर्शन तो आप बाद में करेंगे ना जी, पहले आप बनाएंगे तब आपको पता लगेगा कि किस तरह के डिस्टॉर्शन करना है, कहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप नकल देख के काम करेंगे तो जैसी पहले ही लोग घूम रहे हैं वैसे आप भी बन जाएंगे और आपकी कोई उसमें वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि अगले जो आपसे पहले आए हुए ज्यादा आगे निकल गए। मुझे ध्यान है बहुत कभी पहले शुरू शुरू में बोलते थे कि मुझे एक्टिंग करना बहुत अच्छा आता है, मैं दिलीप कुमार की एक्टिंग करता हूँ। किसी ने कहा कि कहाँ जाओगे दिलीप कुमार की एक्टिंग करने, बोले मैं बॉम्बे जाऊंगा। बोले बॉम्बे जाओगे, बॉम्बे में ऑलरेडी दिलीप कुमार बैठे हैं, तो दिलीप कुमार की एक्टिंग करके बॉम्बे में क्या करोगे जाकर के। इसी तरह से जो आप देख करके अगर उसकी नकल करने गए तो आप कहीं के नहीं रुकेंगे, आपको अपनी खुद ड्राइंग डेवलप करनी पड़ेगी, डिस्टॉर्शन की टेक्निक आप खुद डेवलप करनी पड़ेगी। और उससे पहले जरूरी है कि आपको पूरी तरह से ड्राइंग आती हो, क्योंकि जिसको सोल्यूशन मालूम है वही उसमें झगड़ा लगा सकता है, उसमें टेढ़ा मेढ़ा कर सकता है, जिसको अगर मालूम ही नहीं है तो वो क्या बताएगा। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि आप ड्राइंग करें, अच्छी ड्राइंग करें, उससे आपको एक सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा और जब आप प्रॉपर चीज़ बनाएंगे तो आपको जो एक एबिलिटी डेवलप करने वाली बात करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्जर्वेशन और पेशेंस वाली, अगर आप डिस्टॉर्शन से ही शुरू करते हैं तो आपका ऑब्जर्वेशन कहाँ रहा फिर। इसलिए पहले जरूरी है कि आप ऑब्जर्वेशन डेवलप करें, फिर पेशेंटली उसको ड्रॉ करें और फिर उसके बाद आप टेक्निक डेवलप करना चाहते हो किसी भी रास्ते पर निकल सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन पहले कुछ बेसिक्स हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि गाने वाले को सबसे पहले शास्त्रीय संगीत सिखाया जाता है। अगर शास्त्रीय संगीत उसको आ गया फिर वो किसी भी लाइन का गाना गा सकता है, किसी भी तरह गाना गा सकता है। सेम टाइप ये भी है, ड्राइंग इज रियली अगर कहें तो ये सांस्कृतिक अपने शास्त्रीय कला है ड्राइंग। अगर आपने उसको सीख ली तो फिर आप कुछ भी करें उसमें आपको चलेगा, लेकिन पहले ड्राइंग इज मस्ट सबके लिए, चाहे वो ड्राइंग में जाए, ड्राइंग की फील्ड में निकलना चाहे, आर्ट की फील्ड में निकलना चाहे या निकलना चाहे, लेकिन उसको हर छात्र को हम लोग तो बोलते हैं कि ड्राइंग करना चाहिए। ड्राइंग करेगा तो उसमें जो एबिलिटीज डेवलप करने वाला थे वो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन इज ओनली नॉट मेंट फॉर द ड्राइंग, ऑब्जर्वेशन डेवलप हो जाता है तो एवरी वॉक ऑफ लाइफ आप उसको यूज कर सकते हैं। पेशेंस है सबसे बड़ी समस्या, तो आजकल यही है कि लोगों में पेशेंस नहीं है। हम पेशेंस डेवलप करने की बात करते हैं, अगर पेशेंस है तो आदमी को शांति से अपना काम कर सकता है। इसलिए है ड्राइंग है कि उसमें ऑब्जर्वेशन और पेशेंस जो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है वो इसमें एबिलिटी डेवलप करता है, इसलिए ड्राइंग जरूरी है। और फिर उसको जब हो जाता है तो वेदर ही स्टार्ट फॉर फर्दर ड्राइंग आर्टिस्ट एनीथिंग, किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में अगर निकलता है तो ये दोनों चीज़ें जो ऑब्जर्वेशन या पेशेंस डेवलप करने की बात रहती है वो हम ड्राइंग के थ्रू डेवलप करते हैं, फिर वो कहीं भी जा सकता है, किसी भी फील्ड में जा सकता है। इसीलिए हम लोगों ने सारी फील्ड के स्टूडेंट्स को यहाँ पर बुलाया हुआ है, किसी भी फील्ड में जाने के लिए ये सारी चीज़ें क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोगों ने ये ड्राइंग की बात करते हैं और फिर उसके ड्राइंग सीखने के बाद, ड्राइंग करने के बाद जब लगे कि हाँ हम परफेक्ट हो गए हैं, क्योंकि यही एक विधा ऐसी है जिसमें हम खुद बनाकर अपने जज खुद हो सकते हैं, हम देखकर बता सकते हैं ये ठीक ड्राइंग है या नहीं है। गाने वाला खुद नहीं बताता, गाने को तो सुनेगा वो बताएगा आपने अच्छा गाया, नाचने वाले को भी उसने गाया है नाचा है तो देखने वाला बताएगा इसने अच्छा नाचा है नहीं नाचा है। लेकिन ड्राइंग एक ऐसी विधा है, आर्ट एक ऐसी विधा है जिसमें खुद वो समझ सकता है हमने क्या बनाया है, वेदर आई एम सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड। जब हम सेटिस्फाइड हैं तभी हम उसको दूसरे को दिखा सकते हैं। इस तरह की चीज़ डेवलप करने के लिए, एबिलिटीज डेवलप करने के लिए हम लोगों ने इस तरह के प्रोजेक्ट रखते हुए। जी सर, लेकिन सर मेरा मतलब था जैसे कि ड्राइंग पेंटिंग या स्कल्पचर जो होती है बॉडी आर्ट, और आपके पीछे से जैसे पेंटिंग्स है एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स, तो हम लोग जो स्टार्टिंग में जो लाइन ड्राइंग करते हैं, मेजरमेंट्स जो लेते हैं,
तो उसमें क्या एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग भी है? ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत वर्षों बाद मैंने अब शुरू करी है आकर के, अदरवाइज मैं फाइन ड्राइंग ही करता था। शुरू में बहुत ड्राइंग करी है, उसके बाद यहाँ पहुंचा हूँ। ये खाली देखने में आपको लग रही है, इसकी कहानी सुनेंगे तो अलग चीज है, इसके पीछे एक सीरियस थॉट है जो हमने बनाया है। ये खाली ऐसा नहीं है कि मैंने देखा और एब्स्ट्रैक्ट बनाकर छुट्टी कर दी, इसलिए ड्राइंग बहुत जरूरी है। ड्राइंग बनाइए, उसके बाद फिर अपनी एक स्टाइल रखिए। जो मैंने आपको स्टाइल दिखा रहा हूँ, जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगी, किसी भी जगह नहीं मिलेगी। ये हमारी अपनी ड्राइंग है, अपने एक सोच है, उसका तरीका हमने डेवलप किया है ये, इसलिए आपको ये दिखाई दे रही है। लेकिन फर्दर जो हम काम करते रहे हैं वो ड्राइंग करते रहे, उसके बाद हमने इसको बनाना है। ये हमारा अपना पीस है, मास्टर पीस, ये कहीं आपको और दूसरा इस तरह की ड्राइंग नहीं मिलेगी। इसलिए पहले बेसिक आप क्लियर करिए, ड्राइंग करिए, फिर उसके बाद फिर आप कहीं शुरू करेंगे तो आपको लगेगा हम किस रास्ते पर चल सकते हैं। आप 10 रास्ते देखेंगे, फिर उन 10 रास्तों को देख करके आप 11वां रास्ता तभी चुन सकते हैं। जी जी सर, थैंक यू सर। और कोई सवाल है स्टूडेंट्स के तो पूछ सकते हैं। मैम उषा मैम बताएंगे, बताना चाहते चाहेंगे आपको कोई सवाल है किसी को? कोई भी सवाल पूछे हम दो। यस उषा मैम, मेरा एक सवाल है। मैंने ये एक छोटा सा टॉर्टोइज टर्टल एक ये मिनिएचर बनाया है और एक ये डॉल है। मुझे पूछना था ये मैंने एक तो आटे से बनाई है और ये बनाए मैदा से, उसके ऊपर एक्रिलिक। तो मैम इन पर कितने कोटिंग, कितने लेयर्स ऑफ कोटिंग करना है और कैसे फिनिशिंग आ सकती है ऐसे? कोटिंग किसकी, इसका मोल्ड लेना चाहते हो? नो मैम, ये डायरेक्टली जैसे आटे और मैदा से बना है तो इसी पे कोटिंग जो एक्रिलिक कलर से किया है वो कितने लेयर्स, कितनी बार या पॉलिशिंग के लिए की जरूरत नहीं है। आप बहुत उसकी पतली लेयर आप एक बारी में देखो, उसको ड्राई होने दो। अगर उसका इफेक्ट मेटल जैसा है तो उसको वहीं छोड़ दो, और अगर लगता है कि फिर से इसमें जरूरत है तो ही कोटिंग करोगे, क्योंकि अगर ज्यादा करते जाओगे तो वो प्लास्टिक जैसा इफेक्ट आ जाएगा और वो स्कल्पचर फिर मेटल नहीं लगेगा। वो क्लियरली पता चलेगा कि किसी और उसने बनाया हुआ है और उसको कोशिश की है मेटल जैसा दिखाने की। थैंक यू। और कोई स्टूडेंट सवाल पूछना चाहते हैं? जैसे मैदे या आटे का जो बनाया है मैम, मैं आपको शो करना चाहती हूँ कुछ मैंने एक बनाया है। आप पहले अपना वीडियो ऑन करें, वीडियो ऑन करके ही बात करें हम लोगों से। वीडियो ऑन करके बात करें। मैंने ये बनाया एक स्कल्पचर, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। बेटा कैमरे को स्टिल करो, कैमरा हाँ ऐसे बोलो। ठीक है, हाँ बताइए क्या पूछना आपने? सर मैंने सिर्फ दिखाना ही था। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी सर। अच्छा सर, ये मैंने होममेड क्ले के साथ बनाया सर। हाँ हाँ ठीक है, क्ले में है ये अभी भी? हाँ जी सर, क्ले में है। तो ये तो टूट जाएगा फिर? हाँ जी सर, टूट जाएगा। इसको तो... बेक करिए ना, बेक करते सर, बेक करने पर ब्रिक हो जाती है, और ब्रिक करने के बाद पेंट, जैसा मैंने दिखाया था आपको ये। हाँ जी, ये पोर्शन ये वही है, क्ले है, होममेड क्ले है, और होममेड क्ले को मैंने बेक कर दिया। बेक करने के बाद ये इस तरह का चला जो 25 इयर्स है। सर बेक में कैसे कर सकते हैं बेक? बेक इसको आग लगानी पड़ती है इसके चारों तरफ। हाँ जी, इसको घास फूस रख करके उसमें इसको रख दीजिए और आग लगाइए, काफी तेज आंच लगेगी, लाल हो जाएगा बिल्कुल। ये मट्टी जो अभी है लाल हो जाएगी ब्रिक की तरह। ठीक है सर, तो ब्लास्ट हो जाएगी और पूरी तरह से सूखा हुआ होना चाहिए स्कल्पचर। हाँ बिल्कुल, ये दो चीजें। अगर मुझे इसी का मोल्ड लेना हो तो कितने पार्ट्स में आएगा ये? इसका मोल्ड कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसमें ये इसमें पीस मोल्ड हो पाएगा। अच्छा जी, इतना सारा? हाँ हाँ बिल्कुल, होल इसमें हॉलो बहुत है ना, होती है सिर्फ उनमें हो पाता है दो पीस में मोल्ड, अदरवाइज तो पीस मोल्ड ही लेने पड़ते हैं। ओके मैम, क्योंकि आप उसे खोलोगे ना खोलने में टूट जाएगा, अगर अंडर कट्स हैं और वो सारी इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है। आप उसको अगर कम पीसेस में लोगे और फिर जब आप मोल्ड खोलोगे तो वही क्रैक हो जाएगा वो। ओके मैम, नहीं उसमें।
उषा मैम, मैं राम की तरफ से आपको थैंक्स करना चाहती हूँ कि आपने बहुत ही इंस्पायरिंग सेशन। मैं एक तृप्ति जी एक मिनट में बता दूं, हम लोग अभी बात कर रहे थे मोल्ड की, वैक्स प्लास्टर ऑफ पेरिस का मोल्ड या तरह तरह के मोल्ड जिसमें से वर्क निकालने हैं। एक हम लोग काम करते थे कि बहुत ज्यादा हमें पीसेज मोल्ड ना लेना चले तो हम रबड़ मोल्ड बनाते थे। वो एक लेटेक्स, लेटेक्स नाम का एक केमिकल आता है, उसको किसी भी उस पर रख करके हम लोग उस पर लेटेक्स डालते थे, बार बार सूख जाता था फिर डालते थे, सूख जाता था फिर डालते थे, तो रबड़ मोल्ड बन जाता था। उस रबड़ मोल्ड को बाद में इतना थिक हो जाता था कि उसमें हम लोग कोई भी गर्म मटेरियल तो नहीं डाल सकते थे। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का निकालना है तो रबड़ मोल्ड से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का मॉडल निकाल सकते थे। ये भी एक टेक्निक है, अभी आपको जानकारी के लिए सिर्फ मैं बता रहा हूँ, फिर कभी मौका मिलेगा क्योंकि मुझे लग रहा है हम लोगों को जल्दी ही दोबारा मिलना पड़ेगा किसी न किसी अगले सेशन में, अगली सीरीज में, तो हम लोग उसमें इस तरह की डिटेल बताएंगे कि लेटेक्स रबड़ मोल्ड कैसे बनाते हैं। और वो इजी रहता है उसमें कोई, हम ये तय है कि उसमें हम कोई कॉपर का या ब्रॉन्ज का मॉडल तो नहीं बना सकते, लेकिन हम लोग उससे प्लास्टर ऑफ पेरिस का मॉडल बना सकते हैं, बना सकते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है। और हमें स्कल्पचर कास्टिंग के लिए हमने भेजा, बाय चांस वो कास्ट सही नहीं हो पाया तो हम उसका दूसरा पीस, अगर हम लेटेक्स में, अब तो नई नया वो आ गया है उसमें हमें बहुत कुछ नहीं करना होता, लिक्विड आता है बस उसको अप्लाई करना होता है, बस हाँ बिल्कुल वही होता है लेटेक्स में मोल्ड लेना, तो वो मोल्ड और उसके ऊपर हम पीओपी का मदर मोल्ड लेके हम उसको सेव करके रख सकते हैं, 20 मोल्ड तक, 20 स्कल्पचर तक हम उससे निकाल सकते हैं। लेटेक्स आपने मैम, सर आपने बताया, मैम आपने बताया, तो ये इजी अवेलेबल होता है? हाँ, आराम से, आराम से मिल जाता है पहाड़गंज में। कहाँ से मिलेगा ये? ये मैंने खुद नहीं खरीदा, बस बता सकती हूँ, पता करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊँ, ये जिस तरह से फेविकोल होता है ना, फेविकोल देखते जितनी जगह आप लगाइए तो रबड़ जैसा बन जाता है, इसी तरह का एक दूसरी क्वालिटी होती है, वो लिक्विड में होता है, थोड़ा थिक होता है, उसको आप पोर करते हैं, ये आपको मिल जाएगा इजीली कहीं, ऐसा कोई बहुत कास्टली भी नहीं है और बहुत ज्यादा रेयर भी नहीं है। यस सर, थैंक यू। हाँ जी तृप्ति जी, सर मुझे दिखाना था सर, मैंने ये अभी घर में ये सब मिट्टी से बनाया है सर, इसमें ना फिनिशिंग नहीं आई है, मैंने कोशिश बहुत करी है, इसको मैंने ये फिश लेडी बनाई है, तो उसमें ना मैंने ये ऊपर फ्लावर पॉट टाइप का एक थोड़ा सा शेप देने की कोशिश की है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये सूख गया है सर, इसमें मैंने जो मुझे डिटेलिंग देनी थी वो मैं दे नहीं पाई हूँ, तो सर मुझे इसकी थोड़ी सी ज्यादा थोड़ा सा आपको गीला करना पड़ेगा, अगर सूख बहुत सूख गया है क्या? बिल्कुल गीला नहीं हो सकता, नहीं अभी अगर क्ले में है, बेक तो नहीं किया ना? नहीं नहीं सर, बेक तो नहीं किया, नहीं नहीं। हाँ तो कोई बात नहीं है, इसको पानी लगा करके ब्रश लीजिए, जो ब्रश होते हैं ब्रश से आप इसके फिनिशिंग करिए, तो आपको वो थोड़ा सा जो है बिल्कुल ग्लेजीनेस आने लगेगी उसमें, जहाँ भी आपको जैसे जरूरत है ब्रश गीला करके और इसको भी गीला करके फिर उस ब्रश से इसकी शाइनिंग करिए, उस पर आ जाएगा डिटेलिंग आ जाएगी। इस पे कोई पॉलिश कर सकते क्या किसी तरीके की? नहीं अभी, जब तक ये सूख ना जाए, और फाइनल अगर यही बनाना है तो बात की बात है, पॉलिश की बात कोई नहीं होती, कलर होता है सिर्फ इस पर। ओके सर, ठीक है। अब पॉलिश करने को तो आप कहीं वार्निश स्प्रे कर दो, कुछ भी कर दो, थोड़ी चमक आ जाती है, लेकिन अगर कलर करना है तो उसके लिए आप वार्निश नहीं, आप सीधे कलर करो, एक्रेलिक कलर भी कर सकते हैं। सर क्या इस स्टैचू को हम पका भी सकते हैं क्या, इसको टेराकोटा बना सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल पका सकते हैं, बिल्कुल पका सकते हैं। Yes. सर उसको पकाने का कोई तरीका है सर, उसकी कोई प्रोसेस की इजीली घर पे कैसे हो सकता है? नहीं उसकी तो बेक करना पड़ता है, इसे भट्टी लगानी पड़ती है इसकी, आप कहीं बाहर लॉन में घास फूस कंडे वगैरह लगा करके और इसको सूख, जब सूख जाए बिल्कुल सूख जाए तब जी, तब उसको बेक करेंगे, तब वो होता है। लेयर भी बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए, बहुत सॉलिड होगा तो भी चांसेस कम, क्रैक होने के चांसेस ज्यादा हैं, इसमें इसका ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं। सर पर ये पूरा मैंने सर पूरा क्ले का ही बनाया तो मुझे लगता है कि ये तो मोटा है सर, तो मैम पकाने से ये क्रैक हो सकता है, चांसेस है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम मैंने एक मिनिएचर क्ले वर्क बनाया था मैम कल की क्लास के बाद, तो मैं वो दिखाना चाह रही थी। दिखाइए दिखाइए दिखाइए,
ये बेस क्या है इसका? सर मैंने शिल्पकार जैसा कि मैम ने बताया था एमसील, उसी तरीके का मैम फेविक्रिल का एक मोल्डेड है सर आया है, तो उसी से मैंने चाहिए। कोई बात नहीं, ठीक है, आपका क्रिएटिविटी है इसमें। फेविक्रिल और कैमल इनमें इस तरह का आने लगा है एमसील टाइप वाइट कलर का। अच्छा अच्छा, तो वही है। इनके लिए अच्छा है वो, शुरू में उसमें स्कल्पचर, वैसे वो फ्लावर डेकोरेशन उस सब के लिए होता है, बट स्कल्पचर कर सकते हैं उसमें। हाँ ठीक है, अच्छा मैम। इसे धूल मिट्टी वगैरह पड़ती है तो इसमें वार्निश वगैरह कर सकते हैं? वार्निश से लुक अच्छा नहीं आता है, मैं कभी प्रेफर नहीं करती हूँ वार्निश वगैरह वो सब कुछ। आपको इसको ढक के रखना पड़ेगा, कवर करके रखिए इसको ठीक तरीके से। इसका कवर प्लास्टिक, प्लास्टिक का प्लास्टिक शीट का कवर बनता है, वो आप बनवा ले, आप कहीं भी रखें इसको। जी थैंक यू। पहले सर मैं आगे बढ़ू, मैं चाहूंगी और कोई भी स्टूडेंट है जिसके मन में कोई शंका या सवाल है तो उषा मैम आज बहुत ज्यादा मतलब अच्छे से बता रहे हैं, किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए, कोई और स्टूडेंट जिसको कोई और कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, अच्छे से गाइड कर रहे हैं, पूछ लीजिए। हेलो जी मैम, अगर शिल्पकार में कुछ बनाना है तो उसके लिए मैम प्लीज वीडियो ऑन कीजिए जरूर, पाली जी अपना वीडियो प्लीज ऑन कीजिए। यस यस मैम, यस मैम जी बताइए। जी रूपाली जी। हाँ सर, अगर ये शिल्पकार में कुछ करना है तो क्या इसके लिए भी अंदर कुछ मोल्ड जैसा करना पड़ेगा? कहाँ पर है, किसमें है? बचत करनी है, थोड़ा कम यूज करना है और कम मटेरियल से बड़ा स्कल्पचर बनाना है, बिल्कुल करिए। आर्मेचर भी दीजिए जिससे कि वो स्ट्रेंथ भी रहे, अगर फॉर्म कॉम्पैक्ट है तो कोई ऐसी जरूरत नहीं है, एक सीधा वायर भी लगा देंगे तो भी स्ट्रेंथ रहेगी और वर्क करना इजी होता है। थैंक यू। अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप चैट बॉक्स पे लिखिएगा, हम आगे इनको फॉरवर्ड जरूर करेंगे। फिलहाल मैं उषा मैम को दिल से थैंक्स करना चाहूंगी कि उन्होंने इतना लंबा इंटरैक्टिव सेशन दिया, एंड यू बेसिकली इतने सारे सवालों का आपने जवाब दिया, मतलब इतने सारे सवाल हैं कि आपने सबको बहुत वेल अच्छे से करवा के एक्सप्लेनेटिव मैनर में सबका जवाब दिया, तो थैंक यू सो मच उषा मैम। और मेरे लिए तो पूरा इमेजिनरी था बिकॉज मैं दूसरे डिपार्टमेंट से हूँ तो मुझे तो पूरा ही सीखना पड़ेगा, लेकिन मैंने कोशिश पूरी करी, तो मैं आपको थैंक्स करना चाहूँगी उड़ान की तरफ से। और मैं बाहर से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो कुछ कहें और हमारे आने वाले सेशन के बारे में भी थोड़ा सा गाइड करें। जी उषा जी को हमारी तरफ से थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े अच्छे दो सेशन हमारे जो थे वो लिए, बच्चों को बड़ा आनंद आया, उनको बड़ा कुछ जानकारी मिली और हम यही चाहते थे कि उनको कुछ हम लोगों से मिल पाए जो फर्दर उनके काम आए। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी मैं समझता हूँ कि हमने अभी इंटरेक्शन सेशन में ही और बीच बीच में मैंने काफ़ी इतना कुछ बताते चला हूँ, साथ में होता चला है कि काफ़ी जानकारियाँ बढ़ी हैं लोगों की, समझ में आया है। उषा जी ने जैसा बताया वो भी ठीक रहा और फर्दर जिस तरह से सीरीज हम लोग चला रहे हैं, अगली सीरीज में अगले जो हमारा सेशन है जो हमारा होगा 8 तारीख को, उसमें हम एक दूसरे कलाकार को ले रहे हैं, वो बनारस से हैं, BHU से हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। इन लोगों में से कुछ लोग जो होंगे उन्होंने उनका काम देखा भी है और मेरे पास फीडबैक आया था कि हम उनको दोबारा लाएं, इसलिए उनकी डिमांड पर हम जो है वंस मोर कर की बात पर एक बार फिर उनको ला रहे हैं और वो 8 तारीख को हमारे बीच में होंगे। कौन होंगे इस बात को हम थोड़ा सा अभी रोक के रखते हैं, वो हम कल अपने पोस्टर में बताएंगे उनको। इस तरह से हमारा ये सेशन कम्प्लीट हो रहा है और ये बात मैं फिर से आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी आप सीख रहे हैं डरिए मत, हाथ साफ करिए, डरिए मत, हाथ साफ करिए, आप अपना काम करिए, कुछ बनाइए, कुछ दिखाइए, कोई बात नहीं है। आपने शुरू करना है तो जरूरी नहीं है कि वो आपके अपने हिसाब से बहुत अच्छा लगे, लेकिन क्यों, हमें मालूम है आप शुरू कर रहे हैं इसलिए हम बताएंगे आपको कि इसमें और कैसे अच्छा हो सकता है, यह जो आपने किया है वो बहुत अच्छा है। हमने आपको बताया कि हम लोग ऑनलाइन एग्जीबिशन भी करने वाले हैं, हमें इस पर डिपेंड करता है कि अगर स्कल्पचर ज़्यादा आते हैं तो हम स्कल्पचर की अलग कर लेंगे, पेंटिंग्स आती हैं तो हम पेंटिंग्स की अलग भी कर सकते हैं, या इस पर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ क्रिएटिव
जो आइटम्स हमारे पास किस तरह से कितने आते हैं। तो हम लोग इस पूरे सेशन जो सीरीज चल रही है इसके आखिरी में ऑनलाइन एग्जीबिशन करेंगे, उसमें आपके काम आने वाले हैं। इसलिए कोशिश ये करिए कि जो सीख रहे हैं खूब अच्छी तरह सीखिए और फिर उसमें अपना दिमाग लगा के कुछ और भी आगे अगर आप क्रिएटिव कर सकते हैं कि एडवांसमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आर्ट एक ऐसी फील्ड में हर आदमी अलग अलग एक ही चीज 10 लोग सीखते हैं लेकिन 10 लोग भी अलग अलग 10 तरीके से काम कर सकते हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए अपनी क्रिएटिविटी डेवलप करिए हर उस विधा में जिसमें हम बता रहे हैं और अपना प्रोग्राम अपना जो काम है वो सबमिट करिए। हाँ, ये मैं कहूँगा जो स्कल्पचर वाले हैं 3D है वो अपनी जो है उसमें कम से कम 3 फोटो डालें, एक फ्रंट से, साइड से और बैक से, या इस तरह से 3 फोटो 3 साइड से होनी चाहिए जिसमें हम हर तरफ से पता लगा सकें कि काम की वास्तव में ग्रेविटी क्या है, किस तरह का काम है। तो ये ध्यान रखें, पेंटिंग है, स्कल्पचर है, इस तरह की जो भी विधाएं हम बता रहे हैं उसमें अपना काम हमको ऑनलाइन जो सबमिट करने के लिए हमने बोला है, आपको अभी मेल दिया है, उस पर फोटोग्राफ सबमिट करते रहें। उसमें आपका नाम होना चाहिए, आपका रोल नंबर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हों तो मुझे ईजी रहेगा उसमें सिलेक्शन करने में और फिर बाद में एग्जीबिशन में रखने में। अगली बार हम फिर 8 तारीख को मिलेंगे एक नए चेहरे के साथ, अच्छे चेहरे के साथ, अच्छे काम वाले चेहरे के साथ, अच्छा काम करने वाले के साथ, और फिर हम देखेंगे कि कैसे आगे बढ़ाते हैं। जी सर, मैं हमारी तरफ से धन्यवाद। सर, मैं चाहूंगी कि हमारे राम की एक और सदस्य है डॉक्टर रितु माथुर जी, तो वो तो खास दें हम सबको। जी अवश्य। नमस्कार सभी को और सभी का धन्यवाद, टीम विजुअल आर्ट का धन्यवाद, मुझे धन्यवाद ज्ञापन का मौका अवसर प्रदान करने के लिए। आज उद्घाटन सत्र में हमारे समक्ष उपस्थित रहे हैं श्री सुदेश वर्मा जी, उनका हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है। सर, आपने कला की विभिन्न विधाओं को अपने ही अंदाज में समझाया और बहुत सहज तरीके से समझाया। आपने कला साधना को परमात्मा का स्वरूप बताया और आपने बताया कलाकार अपनी साधना से अपनी कला को आकार देता है और वो जो आकार देता है हम वही देखते हैं। तो कलाकार के कंधे पर समाज निर्माण का दायित्व होता है। सर, आपने बहुत अच्छा कहा, आपके इस मार्गदर्शन के लिए, आपके उत्साह वर्धन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे समक्ष आज आए और हमारा उत्साह वर्धन किया। धन्यवाद सर। हमारे मुख्य वक्ता के रूप में आज हमारे समक्ष उपस्थित रही हैं वरिष्ठ मूर्तिकार उषा कौशिक जी। उषा कौशिक जी, आपको धन्यवाद करती हूँ आपके प्रायोगिक परीक्षण के लिए। आपने हमें बताया ही नहीं, बहुत ही अच्छे से सिखाया और आपने बताया कास्टिंग क्या होती है, मोल्डिंग क्या होती है और वायर आर्मेचर क्या होता है, मकेट क्या होता है, मैं तो पहली बार सुन रही हूँ। तो विजुअल आर्ट की इस विधा को हमें देखने का मौका मिलना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए 2 लाइन्स बोलना चाहूँगी, ध्यान ऊर्जा आराधना से प्रतिमा लियो बनाए, ध्यान ऊर्जा आराधना से प्रतिमा लियो बनाए, सकारात्मक लिए हुए भाव अपनी रचनात्मकता दिखाए। धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की इसी श्रृंखला में हमारे मेंटर, हमारे प्रेरणा स्रोत श्री विजय वहल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके मार्गदर्शन के लिए। और ये आप ही के प्रयासों का फल है कि आज हमें इतने वरिष्ठ कलाकारों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, उन्हें हम देखना हमें देखने को मिल रहे हैं, वो सुनने को मिल रहे हैं और उनसे हम इतना कुछ सीख पा रहे हैं। धन्यवाद सर। हमारे समक्ष आज उपस्थित हैं अध्यक्ष उड़ान के अध्यक्ष श्री अनुपम भटनागर जी। धन्यवाद अनुपम जी आपकी उपस्थिति के लिए और आपके आशीर्वाद के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार व्यक्त करती हूँ। उड़ान के सभी वरिष्ठ सदस्य और कनिष्ठ सदस्य सभी को करबद्ध धन्यवाद। आप लोग आज यहाँ पर आए और इस कार्यशाला में आप कार्यशाला में भाग लिया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टीम उड़ान, टीम विजुअल आर्ट की हेड मंजरी गुप्ता जी का धन्यवाद। विजुअल आर्ट के अन्य सदस्य दीपक जी जो टेक्निकली हमारे सारे सेशंस को हैंडल करते हैं, सुमालता जी जो सारी अटेंडेंस को मेंटेन करती हैं और उसके अलावा सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ में जिनका सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी में लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
हमारे प्रतिभागियों का धन्यवाद जो जिनके बिना ये कार्यशाला संभव ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस उड़ान के सपने को साकार बनाने के लिए। आपके लिए दो लाइनें, उड़ान भरकर चलो आसमान नाप आए, उड़ान भरकर चलो आसमान नाप आए, जमीन पर बैठे परिंदे अच्छे नहीं लगते। धन्यवाद। रितु जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और नहीं, एक और धन्यवाद रह गया, एक और धन्यवाद गति जी का धन्यवाद इस कार्यशाला को इतने अच्छे ढंग से संचालित करने के लिए। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पता नहीं कैसे निकल गया, और जिसका भी धन्यवाद रह गया हो कृपया मुझे क्षमा करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, जिनका रह गया है उनको हमारी तरफ से भी और आपका भी धन्यवाद कि आपने अच्छी तरह से धन्यवाद दिया। थैंक यू सर, सभी का धन्यवाद, सभी लोगों का धन्यवाद। आज की कार्यशाला यहीं पर संपन्न होती है। आप सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार।